लेसन नंबर 4 आई एंड माय एनवायरनमेंट। हेलो आई एम समीर, आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच अ मैच ऑफ टग ऑफ वॉर। टीम्स हैव टू शो देयर स्ट्रेंथ एंड यूनिटी टू विन द गेम। टीम ए एंड टीम बी, विच टीम कैन विन द गेम? व्हाई डू यू थिंक सो? इनमें से कौन सी टीम जीतेगी ऐसा आपको लगता है और क्यों लगता है? विल द रिजल्ट चेंज इफ मोर मेंबर्स ज्वाइन द लूजिंग टीम? अगर जो टीम हारने वाली है ऐसा आप सोच रहे हैं, उसमें अगर कोई और ज़्यादा मेंबर ऐड किए जाएं या ज्वाइन किए जाएं तो वो जीतेगी ऐसा लगता है कि आपको? हाउ कैन अ पर्सन इंक्रीज हिज स्ट्रेंथ? कोई भी व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकता है? या समीर कम लेट्स गो आउट टू प्ले, प्लेइंग आउटसाइड विल हेल्प अस रिफ्रेश आवर सेल्फ, देन वी कैन कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन स्टडीज। नो आई वॉन्ट टू स्टे इनडोर्स, प्लेइंग आउटसाइड इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये बोल रही है उसको, समीर को, कि चलो हम लोग बाहर खेलते हैं। अगर वो बोल रहा है नहीं बाहर खेलना वेस्ट ऑफ टाइम है, अगर ये बोल रही है कि अगर हम बाहर खेल के आएंगे तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और हम ज़्यादा पढ़ पाएंगे, हमारा मन पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा। What happens when a person stays indoors for a long time? How does this affect their body? क्या होता है अगर कोई इंसान ज़्यादा घर में रहे बहुत सारा टाइम, उनकी बॉडी पे उसका क्या असर होता है, उनके शरीर पे इसका क्या असर होता है? जैसे हम लॉकडाउन में थे तो क्या क्या असर हुए आप सोच सकते हो, बहुत ही आसान है। Why is it important to play games? तो खेल खेलना क्यों important है? गेम्स समीर, इट इज़ नॉट गुड फॉर यूअर हेल्थ टू सिट एंड वॉच टी वी ऑल द टाइम। यू शुड ऑल्सो प्ले गेम्स टू कीप योर सेल्फ एक्टिव एंड फिट। गेम्स आर एक्टिविटीज दैट हेल्प अस फील रिलैक्स एंड रिफ्रेश। सम गेम्स हैव बीन डिजाइंड इन द रिसेंट टाइम्स, बट देर आर सम गेम्स दैट हैव बीन प्लेड फॉर मेनी जनरेशंस। These are called traditional games. Some of the traditional games are games जो है, खेल जो है एक ऐसी activity होती है जिनकी मदद से हम relax और refreshing महसूस करते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं हम और हमारा जो तनाव है वो मुक्त हो जाता है। और कुछ ऐसे गेम हैं जो recently design किए गए हैं, हाल ही में बने हुए हैं, और कुछ गेम्स जो है वो बहुत दिनों से, बहुत जनरेशन से, बहुत पीढ़ियों से खेले जा रहे हैं, उन्हें ट्रेडिशनल गेम्स कहते हैं। तो ट्रेडिशनल गेम्स कौन से हैं? काइट फ्लाइंग, हॉपस्कॉच, ब्लाइंड फोल्ड। गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड द हाउस आर और अ कवर्ड एरिया आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। सम ऑफ द इंडोर गेम्स आर, कुछ गेम्स जो है, कुछ खेल है जो घरों के अंदर या चार दीवारी में खेले जाते हैं, उन्हें इंडोर गेम्स कहते हैं, जैसे कि कैरम, स्क्रैबल, चेस। गेम्स दैट आर प्लेड आउटसाइड इन द पार्क, इन अ पार्क, अ गार्डन और अ ओपन एरिया आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। सम ऑफ द आउटडोर गेम्स आर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। कुछ गेम्स हैं वो मैदान में खेले जाते हैं, गार्डन में, बगीचे में, या कोई भी ओपन एरिया में खेले जाते हैं, उनको आउटडोर गेम्स बोलते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल या हॉकी। सम गेम्स कैन बी प्लेड बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स, फॉर एग्जांपल बेसबॉल, बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल। कुछ ऐसे खेल हैं जो घर चार दीवारी के अंदर भी खेल सकते हैं और मैदान में भी, जो है कि बास्केटबॉल, बैडमिंटन या बेसबॉल। Which games do you prefer to play indoor or outdoor and why? कौन सा गेम आप खेलना पसंद करोगे जो चार दीवारी के अंदर घर में खेलते हैं वो इंडोर, या मैदानों में या ओपन एरिया में खेलते हैं वो आउटडोर, और क्यों? What type of games can be played on a rainy day? Discuss. बारिशों के मौसम में कौन से खेल खेले जाते हैं?
चौपर वॉज अ कॉमन गेम ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ महाभारता. कौरवास एंड पांडवास यूज टू प्ले दिस गेम. चौपर ये वाला. विच मॉडर्न डे गेम इज सिमिलर टू चौपर. राइट डाउन नेम्स ऑफ टू मोर ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया. चौपर की तरह कौन सा और एक गेम है? शायद मुझे लगता है लूडो हो सकता है उसका नाम. और कोई भी दो गेम्स के नाम लिखने हैं जो ट्रेडिशनल है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन खेलते ही आ रहे हैं लोग. काइट फ्लाइंग बताया है उन्होंने. और हॉपस्कॉच. बेनिफिट्स एंड रूल्स ऑफ गेम्स. ग्रैंडपा, आई हैव सीन मेनी टाइम्स द लूजिंग टीम ऑलवेज शेक हैंड्स विद द विनिंग टीम. व्हाई इज इट सो? दैट इज द स्पिरिट ऑफ द गेम. All games must be played with the spirit and by following rules. Let me tell you more about rules of the games. हमेशा जीतने वाली टीम से हारने वाली टीम हैंडशेक क्यों करती है, ऐसा वो पूछ रहा है. यही खेल का स्पिरिट है, ऐसा उसके ग्रैंडपा बोल रहे हैं. और बोल रहे हैं कि रूल्स मैं समझाता हूँ तुमको. एवरी गेम हैज़ डिफरेंट रूल्स बट देर आर सम बेसिक थिंग्स दैट शुड बी केप्ड इन माइंड वाइल प्लेइंग एनी गेम. हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं मगर कुछ ऐसे बेसिक रूल है जो सबको ध्यान में रखने चाहिए कोई भी गेम खेलते हुए. नेवर चीट. कभी भी बेईमानी मत करो. दूसरा, डू नॉट बुली और शाउट अदर्स. दूसरों को चिढ़ाओ नहीं या उसके ऊपर चिल्लाओ नहीं. मेंटेन अ स्पोर्ट्स स्पिरिट व्हाइल प्लेइंग. हमेशा खिलाड़ी वृत्ति से खेलना है. डू नॉट फाइट विथ अदर्स व्हाइल प्लेइंग. दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना है खेलते हुए. बुली का अर्थ है यहाँ पे टू यूज योर पावर टू टीज अदर्स एंड मेक देम अंडर कॉन्फिडेंट. प्लेइंग गेम्स रेगुलरली इज इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर अवर बॉडी. रेगुलरली हमें खेल खेलने चाहिए और वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेकारक है. इट कीप्स अवर बॉडी एक्टिव एंड माइंड फ्रेश. हमारी जो शरीर को एक्टिव रखता है और हमारे दिमाग को फ्रेश रखता है. इट हेल्प्स टू कीप अवर बॉडी हेल्दी फिट एंड स्ट्रांग. हमारी बॉडी को हेल्दी फिट और स्ट्रांग रखने में मदद करता है. गेम्स लाइक चेस हेल्प टू शार्पन अवर थिंकिंग एबिलिटीज. चेस जैसे जो गेम है वो शतरंज या बुद्धिबढ़, वो हमारे दिमाग की सोचने की एबिलिटी को बढ़ाता है, हमारे दिमाग को शार्पन करता है. हाउ डू गेम्स बेनिफिट अवर बॉडी. अभी बताया है वो सारे बेनिफिट्स. व्हाई आर रूल्स इम्पोर्टेंट फॉर गेम्स. क्यों इम्पोर्टेंट है रूल्स, आपको क्या लगता है, सोचो. अगर रूल्स नहीं होते तो कोई भी गेम खेलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई भी कैसे भी अपने तरीके से खेल सकता है, फिर वो खेल खेल नहीं रह जाता है ना. इसीलिए रूल्स इम्पोर्टेंट है. फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स. वाओ, नीरज चोपड़ा फाइनली गॉट अस एन एथलेटिक गोल्ड मेडल. सच ए प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री. इंडीड, सम पीपल प्ले स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन. लेट अस हैव अ लुक एट द सम ऑफ द फेमस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स हु ब्रॉट लॉरेल्स टू द कंट्री. सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर इज द मोस्ट बिलव्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया. ही represented India in cricket. No cricketer is known to have made as many cricket records as Sachin has. He is also known as Little Master. Mary Kom is an accomplished boxer. She is the only player to have won a medal in all the 8 AIBA World Boxing Championships. She also won a bronze medal in the London Olympics 2012. Saina Nehwal is a famous badminton player. She is the only Indian female player to have achieved world number one badminton ranking. She has won over 24 international titles and is the first Indian badminton player to win an Olympic medal 2012
एंड टू सिंगल गोल्ड मेडल्स इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 एंड 2018. लॉरेल का अर्थ है ऑनर और प्रेज अर्न्ड बाय समवन ऑन देयर अचीवमेंट्स. विश्वनाथन आनंद. विश्वनाथन आनंद इज इंडियाज ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर. ही बिकेम इंडियाज फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर व्हेन ही वॉज बेयरली 20 ईयर्स ओल्ड. मिल्खा सिंह also known as the flying Sikh was the most famous Indian sprinter and one of the first sporting icons of country. He was the first Indian athlete to win a gold medal in the Commonwealth Games. He won the top prize in the 400 meter competition in the 1958 Commonwealth Games. Care of self and environment. Oh, the room looks so dirty. You have thrown all the waste in the room. Sorry, Grandpa, we will clean this now. The surroundings in which we live should be kept neat and clean. A clean environment is very important for healthy living. It promotes better health. There are different ways to improve our surroundings. हमारा जो आजू बाजू का परिसर है उसको स्वच्छ और एकदम नीट रखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है. तो अलग अलग हम प्रकार से अपने आजू बाजू के परिसर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं. कैसे? वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज अराउंड आवर हाउस. हमारे घर के आजू में बहुत सारे पेड़ पौधे हमें उगाने चाहिए. वी शुड यूज़ सेपरेट डस्टबिन्स फॉर थ्रोइंग वेस्ट. सेपरेट डस्टबिन्स भी हमें यूज़ करने चाहिए. वी शुड मेक पीपल अवेयर ऑफ हाउ टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन थ्रू स्लोगन्स एंड पोस्टर्स. लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए या सिखाना चाहिए कि कैसे हमारे आजू बाजू के परिसर को क्लीन रख सकते हैं. किसके मदद से? स्लोगन्स एंड पोस्टर्स के मदद से. लाइक एनवायरमेंट वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ अवर बॉडी. आजू बाजू के परिसर के साथ ही हमें हमारे शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए. केयरिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन. हमारे शरीर का जो ध्यान रखते हैं हम लोग उसे पर्सनल हाइजीन भी बोल सकते हैं. गुड पर्सनल हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. अच्छी सेहत के लिए हमारा पर्सनल हाइजीन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. इट अलाउज़ द बॉडी टू बी लेस इन्फेक्टेड. जिस वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं होगी वायरसेस और बैक्टीरिया से. अपार्ट फ्रॉम द बेसिक पर्सनल हाइजीन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स प्रॉपरली. ये जो पर्सनल हाइजीन है उसमें ट्रिम नेल्स, बाथ रेगुलरली, ब्रश योर टीथ, वॉश योर हैंड्स ये आते हैं. और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे सेंस ऑर्गन की भी हमें टेक केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. लेट्स लर्न अबाउट द वेज टू टेक केयर ऑफ आवर आइज एंड ईयर्स. हमारी आँखें और कान का कैसे ध्यान हम रखें इसके बारे में हम जानते हैं. केयर ऑफ आइज, आँखों की जो सेहत है उसका ध्यान कैसे हम रख सकते हैं. वी सी द वर्ल्ड थ्रू आवर आईज, हैंस दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस. हेयर आर अ फ्यू थिंग्स वी कैन डू टू टेक केयर ऑफ आवर आईज. हमारी आँखें बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी वजह से हम पूरे संसार को ये देख पाते हैं, जिसके वजह से हमें उनकी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनका. गो फॉर रेगुलर आई चेकअप. आँखें हमेशा चेक करवाने के लिए रेगुलरली जाना चाहिए, 6 महीने या 1 साल में. ब्लिंक फ्रिक्वेंटली, पलकें झपकानी चाहिए जिसकी वजह से हमारी आँखें ड्राई नहीं होंगी. वियर सन ग्लासेस ऑन अ सनी डे. जब बहुत धूप हो तो सन ग्लासेस पहने. ईट हेल्दी फूड, हमेशा हेल्दी खाना खाए. स्टडी इन प्रॉपर लाइट, जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, अंधेरा ज़्यादा नहीं हो. केयर ऑफ ईयर्स, वी हेयर डिफरेंट साउंड्स विद द हेल्प ऑफ अवर ईयर्स लाइक चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, म्यूजिक, वॉइसेस ऑफ अदर पीपल. हेयर आर सम थिंग्स दैट वी कैन डू टू टेक केयर ऑफ अवर ईयर्स. कानों का कैसे हम ध्यान रख सकते हैं?
आंखों का जैसे ध्यान रखने का हमने सीखा, वैसे कानों का कैसे रख सकते हैं। डू नॉट यूज होम रेमेडीज फॉर ईयर, घर के कोई भी दवाइयाँ कान का दर्द हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यूज़ नहीं करें, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डू नॉट इंसर्ट एनी थिंग इन टू द ईयर्स, कान में कुछ भी ना डालें। डू नॉट लिसन टू लाउड म्यूजिक, बहुत जोर जोर से गाने या आवाज़ ना सुने जिससे कान के पर्दे को तकलीफ हो सकती है। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विथ योर ईयर्स सी अ डॉक्टर, अगर कानों में कुछ भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। Environmental campaign, clean surroundings are refreshing, we need to plant more trees, so we are planning a plantation drive on Sunday, will you both accompany me there? Yes grandpa, I will come along with you, let me just ask my mom if she allows, I will also come. There have been many environmental campaigns run by activists to raise awareness among पीपल। चिपको मोमेंट, चिपको मोमेंट और चिपको आंदोलन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया टू प्रोटेस्ट फॉरेस्ट, दिस वॉज डन बाय हगिंग ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग कट, इट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुना। द चिपको मोमेंट बिगैन इन अर्ली 1973 इन उत्तराखंड। 1973 में चिपको मोमेंट स्टार्ट हुआ, जो पेड़ों को बचाने के लिए चालू हुआ था, जिसको चिपको आंदोलन भी बोलते हैं। और उसमें क्या किया गया, लोगों द्वारा पेड़ों को हक किया गया और उनको मतलब उनको ऐसा घेरा डाल के खड़े रहे लोग, पेड़ों को काटने के लिए मना करने के लिए। इट लेटर स्प्रेड टू उत्तराखंड, उत्तराखंड में चालू हुआ था, फिर वो बहुत फैल गया। अब किसने चालू किया था, सुंदरलाल बहुगुना ने। बिश्नोई मूवमेंट, बिश्नोई मूवमेंट, अमृता देवी अ फीमेल विलेजर कुड नॉट बेयर टू विटनेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ हर फेथ एंड द विलेजेस सैक्रेड ट्रीज, देयरफॉर टू सेव द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट शी हग्ड द ट्री and encouraged other to do the same in 1730-31. Amrita Devi along with 363 Bishnoi villagers were killed in this moment. उनकी जो ट्री थी जिनको वो भगवान मानते थे, उनके लिए वो ना तोड़े, इसके लिए अमृता देवी नाम के एक छोटे से गांव की औरत ने वो काटने से मना करने के लिए वो ट्री को वह हक करके खड़ी रही, और उसके साथ और 363 लोग भी थे उन्हीं की जाति से। और ये घटना जो घटी है वो 1731 में घटी हुई है, और इसे नाम दिया गया है बिश्नोई मोमेंट, और इसमें ये सारे लोग मारे गए। कैंपेन अ सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज, डिस्ट्रक्शन डैमेज इनकरेज टू गिव करेज और कॉन्फिडेंस। नर्मदा बचाओ आंदोलन, द मोमेंट फर्स्ट स्टार्टेड एज अ प्रोटेस्ट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर शेल्टर टू द पीपल हु हैड बीन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरदार सरोवर डैम। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये जो स्टार्ट हुआ था वो किस लिए चालू हुआ था, प्रोटेस्ट किया था किसी लिए कि जो भी लोगों को वहाँ से हटाया गया, वहाँ जो रहते थे लोग, कहाँ रहते थे, सरदार सरोवर डैम के वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको हटा के वहाँ पे डैम बनाया गया और उनको घर नहीं दिए गए, इसलिए प्रोटेस्ट किया गया। इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1985, मेधा पाटकर वॉज द लीडिंग स्पोक्स पर्सन ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटकर जो है वो लीड कर रही थी उस आंदोलन को, उनको घर नहीं दिए गए इसीलिए, किनको, जिन लोगों को वहाँ से हटाया गया, कहाँ से, सरदार सरोवर डैम के पास से, क्योंकि वहाँ पे डैम का जो कंस्ट्रक्शन हो वो हो रहा था तो उनको हटाया गया, तो उनको जगह देनी चाहिए थी दूसरी जगह पे, तो वो नहीं दी गई, उनको घर नहीं दिए गए, जिसकी वजह से ये आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और उनकी प्रमुख कौन थी, मेधा पाटकर।
तो इसी के साथ ही आई एंड माय एनवायरनमेंट चैप्टर ख़त्म होता है। बार बार ये वीडियो को आप सुनिए और इसके पॉइंट रिवाइज कीजिए। इनके कुछ भी जो पॉइंट है वो मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, या कुछ पॉइंट है आप बार बार वीडियो सुनेंगे तो याद रह जाएंगे आसानी से। जैसे आंदोलन के बारे में है, चिपको मूवमेंट के बारे में है, या नर्मदा आंदोलन के बारे में है, या बिश्नोई आंदोलन के बारे में है, ये सब आपको बार बार सुनेंगे वीडियो तो याद हो जाएगा। मेरा और एक चैनल है टेस्ट द लाइफ विद प्रेरकुल, आप अगर उसे भी सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्रेरणास प्लानेट को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करना। बाय बाय।